कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, बजट सत्र का दूसरा चरण बाधित रहा। उन्होंने कहा केंद्र सरकार लोकतंत्र की केवल बात करती है, ऐसा पहली बार हुआ है जब बोलने नहीं दिया गया। सत्ता पक्ष ने विपक्ष को बोलने नहीं दिया, केंद्र सरकार जो कहती है वो करती नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान, जिसमें उन्होंने कहा बजट सत्र का दूसरा चरण बाधित रहा और केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि लोकतंत्र की केवल वो बात करते हैं। मंच पर मोदी सरकार डेमोक्रेसी के बारे में तो बहुत बातें कहती है, लेकिन जो कहती है उसके तहत चलती नहीं। और वो हमेशा कहते गए कि अपोजिशन पार्टी को इंटरेस्ट नहीं है, वो डिस्टर्ब, लेकिन डिस्टर्बेंस तो रूलिंग पार्टी से हुआ। और जब कभी हम बोलने के लिए उठते थे और हम नोटिस देते थे, नोटिस की चर्चा की मांग जब करते थे, तब वो हमको बोलने नहीं देते थे। और ऐसी पहली बार हुआ। मैं भी अपने जीवन के 52 साल समाप्त करके 53 साल में कदम रखा हूं, चाहे असेंबली में हो चाहे पार्लियामेंट में, ऐसा कभी नहीं देखा।